छोटे पर्दे पर आपको कई ऐसी अभिनेत्रियां देखने को मिल जाएंगी जो खड़ूस सास का किरदार निभाती है। इन्हीं में से एक अभिनेत्री है गरिमा विक्रांत सिंह, जिन्होंने अपने करियर में केवल ऐसी महिला सास के किरदारों को निभाया जो काफी खड़ूस और अपनी बहू पर हुकूमत चलाने वाली होती है। इन्हें ऐसे किरदारों को करना बड़ा पसंद है क्योंकि इन्हें ऐसे किरदारों को करने में मजा आता है और ऐसे ही किरदारों को निभाकर इन्होंने घर घर में पहचान बनाई है। लेकिन दोस्तों, आप इन सब के बारे में तो जानते ही है, क्या इनके पति के बारे में जानते हो? कौन है, क्या करते, कैसे दिखते हैं? अगर आप भी बातें जानना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। साथ ही इस दमदार अभिनेत्री के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए। सीरियल गुस्ताख दिल में सरस्वती का किरदार निभाकर प्रसिद्ध हुई अभिनेत्री गरिमा विक्रांत सिंह का जन्म 27 अप्रैल 1977 को उत्तर प्रदेश में हुआ, इसलिए इनकी सारी पढ़ाई भी वहीं पर हुई। अगर बात करें इनके अभिनय करियर की तो इन्हें बचपन से अभिनय में रुचि थी, इसलिए अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद अपने अभिनेत्री बनने के सपने को सच करने के लिए ये मुंबई आ गई, जहां इन्होंने कई टीवी शोज में ऑडिशन देना चालू कर दिए। काफी ऑडिशन के बाद 2007 में इन्हें जी टीवी के शो परिवार में उर्वशी नेरुलकर का किरदार निभाने का मौका मिल गया। इस शो के साथ इनके करियर की शुरुआत भी हो गई। इस शो में इन्होंने अपने किरदार को अच्छे से निभाया, जिसे देखकर कई और निर्माता प्रभावित हो गए और अपने शोज में काम करने के लिए ऑफर्स देने लगे, जिसके बाद इन्होंने चांद के पार, चलो, गुस्ताख दिल, इश्क का रंग सफेद, निमकी मुखिया में काम किया। वर्तमान में स्टार प्लस के शो जादू है जिन्न का और तान निभा रही है। लेकिन अगर बात करें इस दमदार अभिनेत्री के रियल लाइफ पति की, तो इनके पति एक फिल्म राइटर है जिसका नाम योगेश विक्रांत सिंह है, जो लुक्स के मामले में किसी अभिनेता से कम नहीं लगते। अगर बात करें इनकी लव स्टोरी की तो ये दोनों कॉलेज के दिनों से ही साथ हैं। 3 साल के रिलेशनशिप के बाद इन्होंने शादी का मन बना लिया और 2001 में दोनों शादी में बंध गए। शादी के कुछ साल बाद इनके घर एक प्यारी सी बेटी का जन्म हुआ, जिसका नाम वेरा रखा गया। दोस्तों, आपको बता दें, इनके पति इनसे बहुत प्यार करते हैं, इनके साथ हरदम साथ रहते हैं और हर कदम पर इनका साथ निभाते हैं। आज ये जिस मुकाम पर है, इसके पीछे इनके पति का बहुत ही योगदान है। तो दोस्तों, आपको इन दोनों की जोड़ी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइए, और साथ ही टीवी से जुड़ी और भी मसालेदार खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।